आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बैग्स में कौन सा लगेगा, जो कि इसका पुल्लल क्या है बैग का। तो बैग का पुल्लल हो जाएगा एस, क्योंकि हम बताए थे कि इसके लास्ट में एस लगता है। क्वेश्चन नंबर टू है एस्टोमेज, सारा जानकारी भी मिलेगा डिटेल्स से। एस्टोमेज के लास्ट में क्या लगेगा, यानी कि एस्टोमेज का पुल्लल क्या होगा। तो एस्टोमेज का पुल्लल हो जाएगा एस, सीधे एस लग जाएगा। और कहाँ पर ई एस लगेगा वो भी जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि डेयरी का पुल्लल क्या होता है। तो डेयरी का पुल्लल होता है डेयरी। यहाँ पर आई ई एस क्यों लगा, क्योंकि इसके लास्ट में है वाई, और वाई के ठीक पहले अगर कोई कंसोनेंट रहता है तो उसके बाद ई एस लगाकर हम पुल्लल बनाते हैं। यह बात इस रूल्स को हम वीडियो में बताए हैं, वो अच्छी जानकारी देखने के लिए चैनल को सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है कि मैंगो में कौन सा, मतलब मैंगो का पुल्लल क्या होगा। तो मैंगो का पुल्लल हो जाएगा आपका मैंगोज, यानी कि इसके लास्ट में क्या है तो ओ है, और ओ से पहले अगर कोई कंसोनेंट रहता है तो उसके लास्ट में ई एस लगाकर हम पुल्लल बनाते हैं। लास्ट में क्या है ओ है, ओ से पहले क्या है जी है, जी क्या है कंसोनेंट है ओ से पहले, तो इसके लास्ट में ई एस का प्रयोग करते हैं और पुल्लल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में है बफेलो का पुल्लल हो जाएगा आपको बफेलोज, यानी कि इसके लास्ट में क्या है ओ है, इससे पहले क्या है कंसोनेंट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बफेलोज, यानी कि ई एस लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सिक्स है माउस का पुल्लल क्या होगा। तो माउस का पुल्लल हो जाएगा माइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है गोश का पुल्लर क्या होगा। तो गोश का पुल्लर हो जाएगा गीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है कि सॉन इन लॉ का पुल्लर क्या होगा। तो सॉन इन लॉ का पुल्लर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सॉन्स इन लॉ। क्वेश्चन नंबर नाइन का यानी कि हाफ, अब यहाँ भी देखिए ध्यान से लास्ट में क्या है एफ है, एफ से पहले एल है, जब अगर एफ से पहले एल होता है तो वह क्या हो जाता है हट जाता है, ठीक ना, उसके जगह पर क्या हो जाता है वी ई एस लगाकर हम पुल्लल बनाते हैं। एल के जगह पर क्या लगाते हैं वी ई एस लगाकर पुल्लल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है पोएट लेक्चर में क्या होता है पुल्लल इसका। तो इसका पुल्लल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन है कि पोलिश का पुल्लल क्या होता है। तो पोलिश का पुल्लल नहीं होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका पुल्लल नहीं होता है, मैं इस वीडियो में बताया था। तो पोलिश का पुल्लल नहीं होता है, इक्चो का पुल्लल भी इक्चोस होता है, इसके लास्ट में वो है उसके पहले कंसोनेंट है, तो वो क्या हो जाएगा इसमें ई एस लगाकर हम पुल्लल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि सेल्फ, तो सेल्फ का क्या हो जाएगा लास्ट में क्या है एफ है, और एफ से पहले क्या है एल है, जब एफ से पहले एल रहता है तो एल क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, और उसके जगह पर भी ई एस लगाकर हम पुल्लल बना लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लॉर्ड जस्टिस का आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस, इसके दोनों साइड एस लग जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है लेडी में क्या लगेगा। लेडी में सिंगलर होगा, इसका पुलरल क्या होगा। तो लास्ट में क्या है वाई है, और लास्ट में जब वाई रहे उससे पहले कंसोनेंट रहता है तो उसमें हम लोग ई एस लगाकर पुलरल बनाते हैं, आई ई एस लगाकर हम लोग पुलरल बना लेते हैं, तो इसमें आई ई एस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है चाइल्ड, तो चाइल्ड का सबको पता होगा चाइल्ड का पुलरल क्या हो जाता है चिल्ड्रेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है रेड्यूस, रेड्यूस में क्या होता है रेड्यूस का पुल्लल क्या होता है। तो रेड्यूस का पुल्लल हो जाएगा रेडिल। क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रूफ का पुल्लल क्या होगा। तो प्रूफ का पुल्लल हो जाएगा लास्ट में क्या है एफ है, और एफ से पहले क्या है एक वोवेल है, जब एफ से पहले कोई वोवेल रहता है तो वो क्या हो जाता है इसमें ई एस लगाकर हम इसका पुल्लल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ओमेन स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी ओमेन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पोस्टमैन का पुल्लल क्या हो जाएगा। तो पोस्टमैन का पुल्लल हो जाएगा पोस्टमैन। अगर आपको यह का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और अपना जवाब गिन सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ। एक्सिस का जो हो जाएगा आपको पुल्लल जो हो जाएगा
एक्सिस का पुलर हो जाता है और एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉस्किटो का पुलर्स क्या होता है? तो मॉस्किटो का पुलर्स हो जाता है आपको, मॉस्किटोज का पुलर हो जाता है मॉस्किटोज। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोलो का प्लुरल्स क्या होता है? लास्ट में ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट था, जब लास्ट में ओ रहता है उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो उसमें हम लोग ई एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ई एस लगाकर प्लुरल बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है मैच, मैच का प्लुरल क्या होता है? तो मैच का प्लुरल्स हो जाता है मैचेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लास टीचर्स का प्लुरल क्या होगा? क्लास टीचर्स का प्लुरल हो जाएगा क्लास टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाइट टेम्पर, नाइट टेम्पर का प्लुरल क्या होता है? नाइट टेम्पर का प्लुरल हो जाएगा आपको नाइट टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में पीपल का प्लुरल्स क्या होता है? तो पीपल का प्लुरल्स हो जाता है पीपल। क्वेश्चन नंबर 28 है, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का प्लुरल क्या होता है? तो गर्लफ्रेंड का प्लुरल हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इस तरह का टोटल और भी क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अभ्यास कीजिए। जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो इंग्लिश में तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। वहाँ नोट्स भी आपको मिलता रहता है, साथ में पीडीएफ भी मिलता रहता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।